Assalamualaikum everyone. Welcome to World Affairs. I'm Suma Shahzad और हम Cooperative Societies Act 1925 के Chapter 8 तक पहुंच चुके हैं. तो Chapter 8 को डिटेल में देखते हैं. Chapter 8 जो है इसका नाम है Liquidation and Arbitration. क्योंकि एक बड़ा chapter है तो हम इसको दो parts में divide कर रहे हैं. Liquidation and Arbitration. ठीक है. आज हमने इस chapter के liquidation वाले part को cover करना है और कल हम इंशाल्लाह इसका second part लेकर आएंगे arbitration. अच्छा ये वाहिद चैप्टर है जिसका सब चैप्टर भी है जिसे ए कहते हैं. जो ए चैप्टर है वो 47 से लेकर 59 तक आर्टिकल्स कवर करता है और अभी चैप्टर 8 ए भी है वो परसों का इंशाल्लाह. तो इसके पहले सेक्शन के मुताबिक सोसाइटी कब वाइंड अप हो सकती है. ठीक है 47 सेक्शन है जो बताता है सोसाइटी कब वाइंड अप हो सकती है. तो पहला चैप्टर कहता है पहला सेक्शन कहता है कि अगर एक सोसाइटी की इंक्वायरी हुई है 43 सेक्शन के मुताबिक या इंस्पेक्शन हुई है 44 सेक्शन के मुताबिक या 44 ए सेक्शन के मुताबिक या फिर सोसाइटी ने एक जनरल मीटिंग बुलाई है और इसी पर्पस के लिए बुलाई है कि हमने सोसाइटी को वाइंड अप करना है और उस जनरल मीटिंग में सोसाइटी के 2/3 मेंबरान ये एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार को कि बस अब हमें वाइंड अप करना है या रजिस्ट्रार अपनी मोशन पे इस तरह की एक मीटिंग बुलाता है और उस पर 2/3 मेजोरिटी भी मतलब गेन हो जाती है 2/3 मेजोरिटी वोट दे देती है इन फेवर ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द सोसाइटी. या फिर सोसाइटी जो है उसने अभी रजिस्टर तो हो गया लेकिन काम नहीं करना शुरू किया या फिर सोसाइटी ने काम करना बंद कर दिया और सोसाइटी ही चाह रही है कि अब हमें वाइंड अप कर दिया जाए तो क्या होगा कि रजिस्ट्रार जो है वो डायरेक्ट करेगा कि आप वाइंड अप हो जाए. ठीक है सोसाइटी को बता देगा कि अब आपने वाइंड अप हो जाना. जब वो वाइंड अप के ऑर्डर्स दे देगा तो फिर हो सकता है कि वो एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट करे जो कि सारे मामला देखेगा सोसाइटी के एसेट्स को लिक्विडेट करेगा और उसकी फीस भी बताएगा कि कितनी होगी. नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सोसाइटी में बी वाउंड अप इफ मेंबरशिप इज रिड्यूस्ड. तो जब हमने जो है इसकी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि जी कोई अगर आम सोसाइटी है तो 10 मेंबरान होने चाहिए. रिसोर्स सोसाइटी है तो 50 होने चाहिए. हाउसिंग सोसाइटी है तो 100 होने चाहिए. अगर इससे कम मेंबरशिप हो गई है सोसाइटी की और सोसाइटी ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज भी दी है कि सोसाइटी के मेंबरान की तादाद बढ़ाई जाए लेकिन फिर भी मेंबरान की तादाद नहीं बढ़ रही तो अब रजिस्ट्रार ऑर्डर देगा कि सोसाइटी को अब वाइंड अप कर दिया जाए. नेक्स्ट सेक्शन इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 वो ये कहता है कि जिस डेट से ये एक्ट नाफिज होगा उसके 2 साल के अंदर अंदर तमाम सोसाइटीज को अपने मेंबरान की तादाद इस एक्ट के मुताबिक करनी है. अगर वो नहीं करते तो फिर वो वाइंड अप कर दी जाएंगी लेकिन उससे पहले उन सोसाइटीज को एक सफाई का मौका दिया जाए. 48 ए बताता है कि अगर हाउसिंग सोसाइटी को वाइंड अप करना है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं. तो उसकी 2 रीजंस हैं. अगर सोसाइटी ने डेवलपमेंटल स्केड्यूल दिया है और उसके मुताबिक डेवलपमेंट करने में फेल हो गई है ठीक है या फिर जो प्लॉट्स हैं उनकी अलॉटमेंट नहीं की डेवलपमेंट स्केड्यूल के मुताबिक तो अब रजिस्ट्रार जो है वो इसको वाइंड अप कर देगा लेकिन अगेन उनको एक मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने का. सेक्शन 49 और 49A जो है वो हमारे पास है. 49 जो है वो बताता है इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कैंसिलेशन कब कब हो सकती है. तो अगर एक सोसाइटी जो है ठीक है जिसके लिए एक मतलब वाइंड अप के ऑर्डर्स भी आ गए और एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर दिया अंडर सेक्शन 47 या फिर ऑर्डर आ गए वाइंड अप के लेकिन लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया या फिर 47 सेक्शन के अंदर वाइंड अप के ऑर्डर आ गए और 2 महीने हो गए ठीक है या फिर अपील के अपील में इस ऑर्डर की कंफर्मेशन भी हो गई है वाइंड अप की कंफर्मेशन हो गई है ठीक है. तो अब रजिस्ट्रार जो है ऑर्डर देगा कि अब सोसाइटी की कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाए ठीक है और उसी डेट से सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी वो डिसॉल्व हो जाएगी.
49A बताता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ कैंसिलेशन, अब सोसाइटी तो कैंसिल हो गई है लेकिन उसके रिकॉर्ड्स आप कब तक रखोगे, ठीक है? तो अगर रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे दिया है कि सोसाइटी कैंसिल हो गई, तो उसके रिकॉर्ड्स और अगर उसकी लिक्विडेशन हुई है तो उसकी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट 5 साल के लिए रखने हैं, 5 साल से कम अर्से के लिए नहीं रखने, ठीक है? रजिस्ट्रार रखेगा। दूसरा कौन बंदा रखेगा? सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी रखेगा, वो भी 5 साल के लिए सारा रिकॉर्ड रखेगा अपने पास सोसाइटी का। लेकिन 5 साल के बाद अगर सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी को तल्फ करना चाहता है, इनको खत्म करना चाहता है रिकॉर्ड्स को, तो उससे पहले उसे रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो तल्फ कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ द लिक्विडेटर, ये काफी बड़ा सेक्शन है। तो ये जो है ना 50 के मुताबिक लिक्विडेटर को बहुत सारे इख्तियार दिए गए, जिनमें से सबसे पहले क्या है, अगर कोई सोसाइटी है और वो वाइंड अप हो रही है, ठीक है, और उसके कोई क्रेडिटर्स हैं, ये क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स हैं, क्लास ऑफ द क्रेडिटर्स हैं, तो उनको उनके पैसे वापस किए जाएंगे, उनको फुल में पे किया जाएगा, ठीक है? अगर कोई क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, या कोई पर्सन है जो क्लेम कर रहा है कि मेरे मेरे कुछ पैसे हैं जो सोसाइटी पे एक तरह से क्लेम करता हूँ मैं, प्रेजेंट में फ्यूचर में करूंगा, तो और सोसाइटी उस पर लायबल भी है, सोसाइटी को वाकई ही ये पैसे दिए गए हैं और सोसाइटी ने वापस करने हैं, तो वो इस पैसे की अदायगी के लिए या तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करेगा। अगर सोसाइटी पे किसी भी तरह का कर्ज है, काफी सारी कंडीशन लिखी हुई है, किसी भी तरह का कर्ज है सोसाइटी पे, ठीक है, और सोसाइटी जो है जिसने वाइंड अप होना है उसके एसेट्स को इफेक्ट कर रहा है वो कर्ज, तो फिर अब क्या होगा, लिक्विडेटर जो है उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक सोसाइटी को वाइंड अप करे जिस पे वो तमाम लोग अग्री हो जाएं जो के जिन्होंने सोसाइटी को किसी भी तरह का डेट दिया था, ठीक है, या फिर वो इसके डिस्चार्ज के लिए डेट कॉल या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए सिक्योरिटी भी ले सकता है, ठीक है, या फिर कंप्लीट डिस्चार्ज भी दे सकता है, ये उसके पास इख्तियार है। अच्छा, अब वक्त के साथ साथ लिक्विडेटर जो है ना वो इन चीजों को भी देखेगा, डिटरमिन करेगा कि सोसाइटी के जो मेंबरान है उन्होंने सोसाइटी में कितनी कंट्रीब्यूशन की है या कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है, सोसाइटी के मेंबरान ने पास्ट और प्रेजेंट मेंबर्स ने या फिर स्टेट ने या नॉमिनी ने या वारिसों ने या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, वो उन मेंबरान के जो के जिनकी डेथ हो गई है, किसी भी ऑफिसर ने सोसाइटी के एसेट्स में कितनी कंट्रीब्यूशन की है या कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, फिर ये भी देखेगा कि वो मेंबरान उन्होंने कितने कितने डेट्स जो है वो देने हैं सोसाइटी, तो ये भी वो अपने रिकॉर्ड में रखेगा, डिटरमिन करेगा कि किस किस ने कितने कितने पैसे भी सोसाइटी को वापस करने और उनकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक्शन सबसेक्शन ई है इसका। जो लिक्विडेटर है उसके पास ये इख्तियार है कि वो डिफेंड कर सके या इंस्टीट्यूट कर सके कोई भी लीगल सूट या लीगल प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी और अपने ऑफिस की तरफ से, ठीक है, या वो ये भी कर सकता है कि सेक्शन 59 के तहत एक रिक्वेजिशन दे सकता है कलेक्टर को कि आप पैसे रिकवर करें, वो कर्जा जात रिकवर करें जो कि लैंड रेवेन्यू पे बनते हैं, और ऑर्डर कर सकता है कि रिकवर किए जाए वो ड्यूज जो मेंबर से लेने हैं या फिर जो सोसाइटी के एसेट्स में कंट्रीब्यूशन करनी है मेंबरान ने, और कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन भी रिकवर कर सकता है। तो कलेक्टर जो है वो सोसाइटी के मेंबरान से ये चीजें ले सकता है, रिकवर कर सकता है अगर वो सेक्शन 59 के मुताबिक कलेक्टर को हुक्म दे। देन वी हैव कोई भी डिस्प्यूट है सोसाइटी में मेंबरान के बीच में, उनको आर्बिट्रेशन के लिए प्रेफर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है एच है, वो ये क्या कहता है कि अगर सोसाइटी के खिलाफ कोई दावा है, ठीक है, कोई क्लेम है, किसने क्लेम किया है, तो उसकी छानबीन करेगा, ठीक है, और फिर जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है उस क्लेम के मुताबिक किसी ने भी की है तो वो देखेगा, और अगर इस क्लेम से कोई भी प्रायोरिटी का कोई क्वेश्चन आता है कि किसको कितना डेट देना और किस
पहले किसको देना, ठीक है, किसका क्लेम ज्यादा है, किसको पहले देना चाहिए, तो वो डिटर्मिन करेगा, ठीक है, या वो डिसाइड करेगा. और फिर अगर किसी को जो कर्ज देना है उसकी शरह भी डिसाइड करेगा कि किस शरह पे देना है वो पैसा. अगर किसी को इंटरेस्ट या रिटर्न की फॉर्म में कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, सरप्लस देने हैं, और उस डेट से देने हैं जिस डेट को लिक्विडेशन हो गई है, तो ये शरह अब रजिस्ट्रार फिक्स करेगा. लेकिन एक शर्त है, रजिस्ट्रार उतनी ही शरह फिक्स करेगा जितनी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब मौजूद है ना, उससे कम कर सकता है, उसकी जितनी कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, उस शरह का सूद वो रख सकता है, जितना सरप्लस वो उस रेट पे ले सकता है, जितना रजिस्ट्रार रखेगा. Next we have to determine by what person and what in proportion the cost of the liquidation shall be borne. So, kis person se aur kitni amount mein liquidation ki jo cost hai wo lenge. Theek hai, ye bhi determine karega. Fir iske alawa ye directions bhi dega ke society ki jo assets hain unko collect kiye jaye aur distribute kiye jaye. Iske hawale se usko jo bhi theek lagte hain steps aur jo bhi ahkamat usse sahi lagte hain wo ye dega. सोसाइटी को वाइंड अप करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव के तो टाइम टू टाइम जो है ना वो फिक्स करेगा, मतलब टाइम टू टाइम कैरियर फिक्स करेगा. अब वो औकात मुकरर करेगा जब क्रेडिटर्स जो हैं जिन्होंने सोसाइटी को कर्जे दिए हैं वो ये बात साबित करें कि उन्होंने सोसाइटी को कितना कर्ज दिया या उनका कितना क्लेम है, ठीक है. या फिर ये भी वो कर सकता है कि उनके क्लेम और डेट के प्रूफ करने से पहले अगर कोई भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जिसमें उनका कोई फायदा, तो उनको इंक्लूड करेगा, ठीक है, कि उनको किससे बेनिफिट हो जाए. नेक्स्ट वी हैव सोसाइटी के तमाम जो बिजनेस हैं उनको भी डील करेगा, ठीक है, ताकि सोसाइटी जो वाइंड अप हो रही है वो फायदे में जाए, ठीक है. सोसाइटी के वाइंड अप होने से पहले जो भी उसके काम है वो सारे देखेगा और इस तरह सोसाइटी को वाइंड अप करेगा कि वो सोसाइटी के फायदे में जाए. दो शरायतें यहाँ पे के जो लिक्विडेटर है वो क्या नहीं कर सकता. लिक्विडेटर ये नहीं कर सकता कि जो डेट और ड्यूज है जो रिकवर किए जाने हैं पास्ट मेंबर से या उन लोगों से, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है डिकेस मेंबर के, तो वो डिटरमिन नहीं करेगा वो डेट और ड्यूज जब तक उनको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि आप खुद से बताएं कि आप ये क्लेम का आंसर करें कि आपको कितने, मतलब आपने कितने लेने हैं या आपको कितना देना है आपने, ठीक है. मजीद ये कि जो भी डेट्स है ना गवर्नमेंट के, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी उन डेट्स के ऊपर जिनकी कोई मॉर्गेज चार्ज या मतलब आप समझते हैं कि सिक्योरिटी नहीं रख पाएगी. इन डेट्स की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है तो उन डेट्स के ऊपर गवर्नमेंट के तमाम डेट्स को फोकियत हासिल होगी, वो पहले पे किए जाएंगे. अच्छा, इसके अलावा क्या है कि इस जो एक्ट है उसकी प्रोविजन या इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो नहीं लगती सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 के सेक्शन 137 और 138 की प्रोविजंस के, ठीक है, या कोई और ऐसा लॉ जो लैंड रेवेन्यू के हिसाब से या लैंड रेवेन्यू को डील करता है उस स्पेसिफिक एरिया. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 50A जो बताता है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू असेस डैमेज अगेंस्ट द डेलिक्वेंट और प्रोमोटर्स, ठीक है, कि अगर कोई ऐसा मेंबर है सोसाइटी का जिसने सोसाइटी के अगेंस्ट काम किया है और सोसाइटी को डैमेज हुआ है, तो अब रजिस्ट्रार असेस करेगा और उसकी पनिशमेंट भी बताएगा कि क्या होना चाहिए. तो देखिए, अब कोई ऐसा सोसाइटी का ऑफिसर है, चेयरमैन या सेक्रेटरी है या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं या ऑफिसर आना है, कुछ भी है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो सोसाइटी से जिसको डैमेज हुआ है, ठीक है, वाइंडिंग अप के दौरान ना उनको पता लगा है कि किसी बंदे ने ऐसा काम किया जिससे सोसाइटी को नुकसान हुआ है, ठीक है, कोई किसी को गलत तरीके से पैसे दिया है, प्रॉपर्टी दे दिया है, मनी दे दिया है और उसकी वजह से वो गिल्टी है. या फिर सेक्शन 34 के 4 सब सेक्शन के मुताबिक एक सोसाइटी जो थी वो फाइनेंस बैंक का पार्ट थी और फाइनेंस बैंक ने सोसाइटी को पैसे दिए कि आपने कहीं ये लोन देना है किसी नॉन मेंबर को, लेकिन उस सोसाइटी ने फाइनेंस बैंक की बात सुने बगैर अपनी मर्जी से वो पेमेंट दी, ठीक है, अपनी मर्जी से वो काम किया. तो इन हालात में जो रजिस्ट्रार है वो अब एक्शन लेगा, ठीक है, एक्शन या तो खुद से ले सकता है या लिक्विडेटर, ऑडिटर, इंक्वायरी ऑफिसर उसको बताएंगे कि भाई वॉल्यूशन हुई है सेक्शन 44D के मुताबिक, तो अब आप आ जाए और एक्शन लें. या फिर कोई क्रेडिटर
या सोसाइटी की कोई कंट्रीब्यूटरी जो है वो रजिस्ट्रार को कह सकते हैं कि आप जो है वो डैमेज असेस करें, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रार जो है वो देखेगा किस पर्सन ने डैमेज किया है, कितना डैमेज किया है, फिर ऑर्डर देगा कि आप रीपे करें उस मनी को या रिस्टोर करें उस मनी को या प्रॉपर्टी को जो आपने जिसका नुकसान किया, जितना नुकसान किया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट पे करें जितना रजिस्ट्रार को लगेगा कि वो देना चाहिए इस चीज के ऊपर, फाइन। और ये सोसाइटी के जितने एसेट्स हैं ना उनमें ये पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है, या सोसाइटी के एसेट्स में आप कंट्रीब्यूट करें उतने ही पैसों से जितने का अपन किया, ठीक है। और फाइनेंस बैंक में उस के मुताबिक जो मतलब आपने पैसे खराब किए हैं किस फाइनेंस बैंक के अगेंस्ट आपने काम किया तो कंपनसेशन के तौर पे वो पैसे, ठीक है, जितने पैसे आपने गबन किए हैं या रोके हैं, फाइनेंस बैंक ने कहा था कि इसको देने आपने उसको प्रॉपरली नहीं यूटिलाइज किया तो आपको उसकी कंपनसेशन देनी पड़ेगी फाइनेंस बैंक को, फाइन। लेकिन इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो उन एक्ट पे नहीं लगती जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मतलब ऐसे काम जो जिसमें आप समझते हैं कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो अब उस पर ये सेक्शन नहीं लगती, उसको कोर्ट डील करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 51, वो कहते हैं बार ऑफ सूट इन वाइंडिंग अप एंड रिजोल्यूशन मैटर्स, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक सोसाइटी को डिसॉल्व करना है और उसके एसेट्स को लिक्विडेट करना है या चैप्टर 8A के मुताबिक आप कोई प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो कोई सिविल कोर्ट जो है वो आगे नहीं आ सकता, ना ही वो ये केस उठा सकता है और उसकी प्रोसीडिंग कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर अगर रजिस्ट्रार चाहेगा उसकी मर्जी होगी तो कर सकता है, ठीक है, और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक कर सकता है जो रजिस्ट्रार बताएगा। 52 बताता है कि अगर एक सोसाइटी है उसका शेयर कैपिटल दे दिया है, जितना जितना जिसका शेयर बनता था वो दे दिया और अब सरप्लस है एसेट, तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस एसेट। तो कहते हैं कि अगर सरप्लस एसेट बच जाता है ना सारे लोगों को उनका हक देने के बाद तो वो मेंबर्स में डिवाइड नहीं होगा बल्कि वो किसी ऐसे मकसद के लिए यूज होगा जो कि बायलॉज में है और पब्लिक जो है ना यूटिलिटी का होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मकसद बायलॉ में नहीं मौजूद तो फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें डिटरमिन किया जाएगा कोई ऐसा काम जो पब्लिक की यूटिलिटी का हो और रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेगा, खुद से भी कर सकता है, खुद से भी बता सकता है कि आप ऐसा काम करें, या जनरल मीटिंग के बाद वो खुद अप्रूव भी करेगा और उसे कंसल्टेशन करने के बाद भी असाइन कर सकता है। तो इनमें से वो तीनों काम भी दे सकता है या कोई एक काम भी दे सकता है या कोई एक आधा काम भी दे सकता है। तो पहला सेक्शन जो रजिस्ट्रार कह सकता है कि आप इस पैसे से ये कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि लोकल या कम्युनल इंटरेस्ट का कोई काम हो जो पब्लिक यूटिलिटी का हो, ठीक है, मतलब लोकल लोगों का फायदा हो रहा हो या कम्युनल कोई हो उनका फायदा हो रहा किसी कम्युनिटी का फायदा हो रहा हो तो फिर वो इस चीज के लिए अलाउ कर सकते हैं कि आप ये पैसे वहां ना करें। चैरिटेबल पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन हुआ है, चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1819, या फिर ये पैसा जो है ना प्रोविंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट को रखवाया जा सकता है, ठीक है, या फिर प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में भी रखवाया जा सकता है उस वक्त तक जब तक इन्ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक सोसाइटी नई रजिस्टर नहीं हो जाती, जो इस सोसाइटी को डिसॉल्व किया गया ना इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कोई नई सोसाइटी जब बनेगी तो फिर ये पैसा उसको दे दिया जाएगा, उसके रिजर्व फंड में रखवाया जाएगा और रजिस्ट्रार खुद रखवाएगा, ठीक है, उसकी कंसेंट से रखवाया जाएगा, तो ये नई सोसाइटी का काम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सरप्लस एसेट्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। तो इसमें सबसे पहले चीज क्या है कि अगर हाउसिंग सोसाइटी डिसॉल्व हो रही है तो उसके एसेट्स वाइंड अप हो रहे हैं, लिक्विडेट करने हैं, तो क्या होगा, तो ज्वाइंट लिक्विडेशन होगी, तीन मेंबर्स होंगे, तीन मेंबर्स कहां से आएंगे, एक रजिस्ट्रार नॉमिनेट करेगा, एक सोसाइटी अपनी जनरल मीटिंग जो कि इसी मकसद के लिए बुलाई है उसमें एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी और एक पर्सन जो है प्रोविंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करेगा। तो ये तीनों मिलके सोसाइटी को ज्वाइंटली लिक्विडेट करेंगे, सोसाइटी के जो एसेट्स हैं उनको ज्वाइंटली लिक्विडेट करेंगे। इन तीनों के पास वही सारे तराक होंगे जो कि एक लिक्विडेटर को मिले होंगे। ये रजिस्ट्रार की मर्जी से सोसाइटी के काम को जारी रखेंगे और रजिस्ट्रार की मर्जी से और सोसाइटी के मेम्बरान की कंसल्टेशन से जो के जनरल मीटिंग में होगी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी प्रेमिसेस जो है उसके जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करेंगे,
इस तरह सेल करेंगे कि उससे सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा, ठीक है। और जब सोसाइटी की तमाम लाइबिलिटीज पे कर दी जाएंगी, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तो सरप्लस एसेट को जो प्रीवियस सेक्शन है उसकी प्रोविजंस के मुताबिक जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा, सॉरी यूज कर लिया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आया हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेक्चर्स बनाने पे, तो काइंडली इसको सुन के शेयर कर दीजिए और ये ट्राई कीजिए कि एक दफा इसको बगैर डाउनलोड करके सुन लिया करें ऑनलाइन, तो इससे मेरा फायदा है, बहुत सारे लोगों का भी फायदा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगेन इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑन माय फेसबुक पेज। तो आई ट्राई कि मैं एक जितना अच्छा रिस्पांस हो सके उतना अच्छा रिस्पांस दूँ, जितनी बेहतर मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उतनी बेहतर तरीके से आप तक कम्युनिकेट कर सकूँ। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।